हेलो सलाम आदाब, मेरा नाम रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रमज़ान लोगों के ब्लॉग्स। अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है कि कल रात में इतना धुआंधार बारिश हुआ था, इतना तूफान आंधी तूफान चला, इतना बारिश हुआ कि समझ लीजिए कि गजब का था, एकदम देखने लायक था। यहाँ पे तेलंगाना में ये पहला बार मैं देखा, 3 बजे से पहले स्टार्ट हो गया था। धुआंधार एकदम बादल बहुत तेज़ गरज रहा था, तो मैं तो मोबाइल को फ्लाइट मोड डाल दिया था ताकि ऐसा ना हो कि फिर कभी कभी क्या होता है कि सर्वर ऐसे बादल गरजता है तो सर्वर ऑन रहता है, चाहे आपका मोबाइल का डाटा ऑन है चाहे सर्वर की वजह से भी मोबाइल ब्लास्ट रहता है, इसीलिए मोबाइल में फ्लाइट मोड में डाल दिया था। तो आज धुआंधार बारिश हुआ था, देखिए यहाँ का नज़ारा, ये देखिए पूरा रोड गीला है, मौसम भी काफ़ी एकदम सुहाना है, मस्त एकदम है और पूरा रोड एकदम भीग गया है। और इधर देखिए इनका तो पूरा जितना मटेरियल था पूरा भीग चुका है क्योंकि पूरा गीला हो गया है तो सब सुखाने में लगे हैं। ये देखिए दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए देख रहे हैं, अब गेहूं है कि चावल है ये पता नहीं चल रहा मेरे को देखने से दूर से, बट जहाँ तक मेरा लग रहा है कि गेहूँ ही है या फिर भूसा है। नहीं, ये भूसा है, भूसा ये भूसा जो गाय को देते हैं चारा के रूप में भूसा, वही भूसा ही है, ना ही गेहूँ है ना ही चावल है। ये देखिए ये सुबह सुबह का मॉर्निंग टाइम का नज़ारा है जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में, एकदम ठंडा मौसम है। अब ये देखिए हम लोग का जो काम है डंपिंग का वो भी बंद है अभी क्योंकि बारिश हुआ था, बारिश में काम चलता नहीं है इसीलिए काम भी बंद है। ये देखिए वहाँ का डंपिंग नज़ारा, सुबह सुबह का पूरा इतना बारिश हुआ कि रोड पे पूरा एकदम गीला हो गया है और काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, ये पहला बारिश है। गर्मी से किसी की कम, मई जून में गर्म पूरा होता ही होता है, आप लोगों को मालूम है कि मई जून का महीना गर्म ही होता है, तो इधर अभी तो मई चल रहा है, मई में क्या लास्ट महीने में ही बड़ा धुआंधार एकदम बारिश हो गया गजब का, ऐसा लगा कि बारिश चालू हो गया है अब। ये देखिए यहाँ पे बगल में ही साइड में ये ईटा का जहाँ पे ईटा बनाया जाता है उसी का ये एरिया है। ये देखिए इसमें नारियल पानी मिलता है, ये जो आपका पेड़ दिख रहा है, ये जो व्यू आता है ना यहाँ का, ये देखिए गजब का नज़ारा आता है। ये देखिए जो मोबाइल में देखने में मज़ा आता है ना, वो उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मज़ा लाइव टू लाइव देखने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता बनाता है जो कि काफ़ी मस्त है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगता है बट अपन आज कंपनी से नाश्ता करके आए हैं तो यहाँ पे नाश्ता करेंगे नहीं। उधर का जो रास्ता है वो वाला रास्ता माइनिंग वाला, तो वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा गीला था, उसमें उधर से जाते हैं तो पूरा गाड़ी भी गंदा हो जाता है प्लस कीचड़ कीचड़ हो जाता है, इसीलिए मैं सोचा कि मैं इस वाला रूट से चलूँगा क्योंकि गाड़ी भी गंदा नहीं होगा, गाड़ी भी अपना सेफली बचा रहेगा और आराम से पहुंच भी जाएंगे। बस ये है कि 500 मीटर या 800 मीटर का लमसम अर्क फर्क पड़ता है डिस्टेंस का, इसीलिए मैं सोचा कि उधर से ना जा करके इधर से चलते अपना सही रहेगा। मौसम इतना ठंडा है कि सोच लिए कि ठंडा मौसम में एसी चालू करने पे, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ आपको, ये जो एसी आपको दिख रहा है पूरा एकदम जम गया है, ये देखिए एसी चालू करने पर पूरा जम गया पूरा एकदम, ये देखिए जैसे ठंडे में शीत गिरता है ना तो भाप बन जाता है और एकदम जब पेड़ पौधा पे गिरता है तो एकदम उस तरीके से पानी की तरह एकदम गीला हो जाता है, एकदम सेम उसी तरह हो गया है। जैसे ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते से जाने से क्या होता है कि ये बीच में जो आपको 500 मीटर जो दिख रहा है, ये 500 मीटर में रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है बारिश में भी और गर्मी का मौसम होता है, तभी धूप मतलब कि धूल ज़्यादा उड़ता है इस जगह। अब बारिश के मौसम में आप नज़ारा देख रहे हैं कैसा है, ये देखिए। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ही गजब का है, देखिए आप पहले मैं जब देखा था तो मैं तो चौंक गया, इसलिए हो सकता है ऐसा गलती आप लोग भी ना करें भाई, आप लोग को देखे तो कुछ समझ जाए और संभल जाए। ये देखिए ये देख रहे हैं इस वक्त जाएंगे तो टेम्पो पड़ जाता है, और ये देखिए यहाँ का नज़ारा, ये रोड के बगल का ही है, सोचिए ये कितना खतरनाक, देखिए
गाड़ी ड्राइव हो रहा था कि क्या हो रहा था कि मतलब कि इंसान को पता ही नहीं चला कि गाड़ी पूरा जल रहा है, मतलब ये पूरा जल कर राख हो गया है, वो कहीं से भी कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसा ड्राइव ना करें भाई जैसे कि पूरा गाड़ी ही जल जाए और आपको कुछ पता ही ना हो, ये बहुत ख़तरनाक। तुम समझ लीजिए कि उसका एक पार्ट भी नहीं बचा है जो कि उसमें दिख रहा है कि नहीं इसमें सही अच्छा सुरक्षित बचा है। वायर से लेके हर चीज़ इतना भयंकर जल गया है पूरा गाड़ी कि उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस जो भी मैकेनिक का जो पार्ट होगा वही थोड़ा बहुत जो अगर बचा होगा नहीं तो वो भी जल गया होगा, ख़त्म ही हो गया होगा पूरा। अब उसमें भी है कि अब डेंटिंग करेगा नहीं, मतलब समझ लीजिए कि डेंटिंग करेगा वो समझ लीजिए पूरा अब कचड़े के भाव में वो गाड़ी उचला जाएगा। लेकिन ये भी एक चीज़ देखिए कि 2 से 3 दिन तक से मेरे को ये गाड़ी दिख रहा है लेकिन इस गाड़ी को कोई हटा नहीं रहा है कि हाँ रोड पे है इसको साइड कर दिया जाए, ऐसा नहीं। अब पड़ा है तो पड़े रहने दो, अगर ऐसा कुछ जांच का विषय है तो जांच करना चाहिए, या फिर नहीं है तो उसको गाड़ी को साइड करके अपना हटा देना चाहिए। रोड के एकदम जस्ट शाम बीचों बीच एकदम खड़ा है तो खड़ा ही है, उसको मैं 2 या 3 दिन से देख रहा हूँ गाड़ी को लेकिन अभी तक उसको हटाया नहीं गया है। वो अपन लोग भी लोग आ चुके हैं इस जगह पे, यह रास्ता चल जाता है सीधे आपका मंचूरियाल, ये जो रोड है यही जाता है रास्ता मंचूरियाल। तो ये बहुत खतरनाक एकदम डेंजर एरिया है, ये देखिए इधर से भी गाड़ी आता है और इधर से भी आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर एरिया है जो किसको क्रॉस करना रहता है। ये देखिए फटाक से गाड़ी निकल गया। तो इस साइड में क्या होता है, इस जगह पर तीनों चारों साइड में देखना पड़ता है, इसलिए इस जगह पर थोड़ा चारों तरफ देख करके ही गाड़ी को निकालना पड़ता है, नहीं तो हल्का सा मिस्टेक और इंसान तुरंत एक्सीडेंट। तो अपन अब पहुंचने वाले हैं कॉलोनी वाले रास्ते में। अब बारिश हुआ है तो देखिए कितना मस्त हरा भरा एकदम पेड़ पौधा दिख रहा है, और नीचे साइड में देखिए कितना मस्त एकदम लुक ही चेंज हो गया है गुरु, ऐसा देखने में लग रहा है। देखिए व्यू देखिए पहले कितना मस्त लग रहा है देखने में, ये धूप होता तो ऐसा नहीं दिखता लेकिन अभी देखिए मौसम एकदम पानी में बरसा है एकदम मस्त छाया था तो एकदम एक नंबर हो गया है। अब देखने में भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब लग रहा है, जैसे लग रहा है कि बगीचा में आ गए हैं, वैसा एकदम हरा भरा दिख रहा है। अब इतना सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में टहलने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए मस्त फूल भी एकदम रेड रेड वाला फरा हुआ है, फूल एकदम अच्छा लग रहा है देखने में काफ़ी। तो अपन कॉलोनी में पहुँच चुके हैं। ए अभी फ़िलहाल सीन ऐसा है कि मैं नहा धोकर कंप्लीट रेडी हो चुका हूँ, खाना खाने के बाद अब आया था थोड़ा सा कुछ काम से ICICI बैंक में, उसके बाद वहाँ से RTO ऑफिस गया, RTO ऑफिस होने के बाद अब सीधे जिम ऑफिस आ गया, जिम ऑफिस आने के बाद अब ब्लॉग होता है इसी समाप्त। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगला जो ब्लॉग आने वाला है वो गाड़ी से गाड़ी के AC से संबंधित आने वाला है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, अगर मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।